असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो जी अभी मैंने क्लिनिंग की है उसके बाद मैंने बखूर की है और अभी ये सामान आया है घर का और जब मेरे हस्बैंड शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद उनकी गाड़ी में स्प्रे होता है वो अच्छी तरह सब चीज़ों को स्प्रे करके फिर लेकर आते हैं ऊपर तो मुझे डबल डबल सैनिटाइजेशन नहीं करनी पड़ती तो फाइनली अब यहाँ से पाकिस्तानी मीट मिलना शुरू हो गया है तो ये किलो के करीब मैंने कीमा मंगवाया है जो कि आज बनेगा शायद मैं इसके चपली कबाब बना लूँ या चपली कबाब कीमा स्टाइल ऐसा कुछ बना लूँ साथ में ब्रेड है और अंडे हैं और साथ में दूध है जो डेली की चीज़ें होती हैं और इस वीक में मैंने कोई ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की थी जो लास्ट वीक की थी, थी थोड़ी सी और जो घर में जितनी चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने उन्हीं को ही यूज़ किया है इस वीक में तो इस वीक में मैंने कोई कुछ खास नहीं ख़रीदा लाइक सिर्फ यही चीज़ें आ रही हैं दूध अंडा ब्रेड और हमें वंस इन अ मंथ ऐसा करना चाहिए कि हमें एक वीक का गैप देना चाहिए और उस वीक में जो भी घर पर चीज़ें पड़ी हो दाल पड़ी है गोश्त पड़ा है चिकन जो भी है उसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए इससे आपको आइडिया भी हो जाता है और बचत भी हो जाती है सो so, आज मैंने सुबह उठते ही खाना बना लिया था क्योंकि मुझे था कि मैं जल्दी से खाना बना लूँ क्योंकि दोपहर तो में बहुत गर्मी हो जाती है और जो मेरा किचन है वो थोड़ा सा छोटा है तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है आपको तो फिर मैंने ये किया था कि आज मैंने सुबह जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया उसके बाद मैंने साथ ही झटपट से खाना बना लिया था आलू बैंगन बनाए थे साथ में राइस बना लिए थे और बस मेरा खाना रेडी हो गया अब इनको मैं गर्म करूँगी और इनको सर्व कर दूँगी और राइस काफ़ी टाइम से मैं बड़ी वाली जो पैक होता है ना फोटी के का वो लेके आई हूँ अलजाइम का और वही मैं यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी लोग पूछते हैं तो आप बासमती राइस लें किसी भी ब्रांड के लें लेकिन अच्छे लें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन जो होता है वो आप लें और बस इसको ट्वेंटी मिनट्स के लिए सोक करें और फिर बना लें तो बस खाने को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है साथ में मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है आज मैं कोशिश कर रही करी कि मैं सुबह उठ के सुबह की रूटीन में ही सारे काम कर लिया करूँ लेकिन फिर भी होता है मुझे कभी कभी सुस्ती पड़ जाती है मैं मैं पहले इतनी सुस्त नहीं थी लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों बहुत सुस्ती होती है लाइक like, कुछ चीज़ों में मैं उसको मैं पोस्टपोन करती रहती हूँ कि अच्छा अभी आधे घंटे बाद घंटे बाद दो घंटे बाद क्योंकि जब आप अकेले रह रहे होते हो ना तो आपके पास बहुत ऑप्शन होती हैं कि चलो यार छोड़ देते हैं काम को तो मैं भी अक्सर ऐसा करती हूँ अक्सर नहीं अक्सर 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 ऐसा करती हूँ तो खैर जब मैंने एक नए पानी पीना शुरू किया है उसमें क्या है मैंने लिया है एक लीटर के करीब पानी लिया है और उसके अंदर मैंने पिंक सॉल्ट डालकर उसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया था उसके बाद उसको मैंने इस ग्लास के बॉटल में ऐड कर लिया है और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था मैंने अब मैं क्या करूँगी सारा दिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पीती रहूँगी और पिंक सॉल्ट जो होता है जो हंड्रेड प्योर है वो आपने लेना है आपने वो जो नेशनल या शान के रिफाइंड मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो आप मत यूज़ करिएगा तो कोशिश करें आपको प्योर मिले आप बोलें और उससे यूज़ करें तो इसका मैं पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीती रहूँगी एक लीटर पानी आपने पूरे दिन में ख़त्म करना है इससे क्या होता है आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगी आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग स्वेलिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो ये मैंने रखा है अभी ठंडा होने के लिए और दूसरी तरफ मैंने बर्तन धो लिए हैं सारे घर के काम फिनिश कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी और अभी टाइम जो है एक बज रहा है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आज काम ख़त्म हो गया है बहुत टाइम के बाद तो अभी ये मेरे ये किचन में आपको रंग बिरंगी प्लेटें हैं और बर्तन दिख रहे हैं क्योंकि किसी डिनर सेट की कोई प्लेट निकली हुई है किसी का कुछ निकला हुआ है किसी की दो तीन निकली हुई हैं तो वो सारे मिक्स हुए हुए हैं और ये सब रमज़ान से ऐसे हुआ पड़ा है क्योंकि सारी सारी डिनर सेट मिक्स हुए हुए हैं अब मेरा दिल है कि सारी बर्तनों का मैं रख दूं अंदर और जो ये वाला डिनर सेट है इसको मैं यूज़ करूँ क्योंकि इसकी एक दो प्लेटें टूट चुकी हैं तो मुझे है कि ये है जिसको रेगुलर यूज़ में लगा लेना चाहिए और वैसे भी हम लोग जो हैं वो सारे बर्तन अलमारियों में रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं जब मेहमान आएंगे तो तब उनको देंगे लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज़ द रट टाइम तो मैं ये वाला डिनर सेट यूज़ करने वाली हूँ और इस कैबिनेट में सारे ग्लासेस थे जिनको मैंने निकाल के दूसरी कैबिनेट में रख दिया है और यहाँ पर मैंने सारे अपने मग्स रख लिए हैं क्योंकि इन बेचारों को कोई जगह मिल ही नहीं रही थी तो दो ये हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ और बकाया इधर रख दिए हैं ताकि मुझे नज़र आए और मैं इनको डेली बेस पर बदल बदल के यूज़ कर सकूँ तो बस जी ये थोड़ी सी चेंजेस की हैं और मैंने अपनी वो जो आ, स्पाइस वाली पेंट्री थी उसको नहीं क्लीन किया और कल मेरा ब्लॉग भी नहीं आया था क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी और मैंने कहा चलो छुट्टी करते हैं और रिलैक्स करते हैं और कोई काम नहीं करते तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया था तो जी ये मक्खन है जो कि मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और इसको आए हुए ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स हो चुके हैं और ये फ्रीज हुआ हुआ था इसको मैंने अभी निकाला है थोड़ा सा डीफ्रोस्ट किया है अब इस मक्खन को मैं मेल्ट करके बना लूँगी देसी घी तो जो मक्खन होते हैं और ऐसी जो घी वगैरह होती है उनका आप फ्रीज़र में रख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हाँ थोड़ा सा पुराना हो गया है इसलिए ये बटर एज अ बटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से हल्की सी एक हींग से आना शुरू हो जाती है लेकिन इसको आप ला कर इसका घी बना लें तो देसी घी बन जाएगा और उससे अच्छी क्या चीज़ होगी तो ये देसी घी मैं डाल दिया है और मैं अब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल यूज़ करूँ अपने लिए या खाली देसी घी यूज़ करूँ क्योंकि अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि देसी घी हेल्दी है और देसी घी ही आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए उसके ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो मैं इसको मेल्ट करके देसी घी बना लूँगी और ये मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर जब भी आप बटर को मेल्ट करें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करें और ये जो मक्खन है ये हमारे घर का निकला हुआ मक्खन है लाइक हमारे मेरी अम्मी के घर में फ़्रेश दूध आता है तो अगर आपके घर में ख़ालिश दूध आता है तो फिर उस पर अच्छी खासी मलाई आती है मलाई आती है जिसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको आ, उसको ब्लेंडर में डाल के उसका बटर निकल आता है तो जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं ये बटर लाई थी घी भी लाई थी घी मेरे पास पड़ा हुआ मैं बाद में यूज़ करूँगी ये थोड़ा सा पुराना हो गया था तो मेरा था कि पहले इसको मेल्ट करके इसका घी बनाकर इसको यूज़ कर लेते हैं तो बस इसको मैं हल्की सी आँच पर छोड़ दूँगी पंद्रह से बीस मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा इसके अंदर जो पानी और जो क्रीम होती है वो नीचे रह जाएगी और जो घी होगा वो ऊपर सरफेस पे आ जाएगा तो उसको अच्छे से आप हिलाते रहें बिल्कुल इसको ऐसे छोड़ के ना चले जाएँ अनअटेंडेड हल्का हल्का इसको आके चलाते रहें वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाता है तो बस अब मैं इसको अच्छे से ऐसे हिलाती रहूँगी और जैसे ये पूरा मेल्ट हो जाएगा फिर और मैं हल्की आँच करके इसको अच्छे से पका लूँगी ताकि इसका एक गोल्डन सा कलर आ जाए फिर इसको स्टेनर में डाल के जैसे स्टेन कर लेंगे और फिर ये हमारा देसी घी घर हो जाएगा तैयार और वैसे यहाँ से देसी घी बहुत महंगा मिलता है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मिलता है तो इस बार मैं गोरमे का भी घी लाई थी और गोड़मे का घी अच्छा होता है मैं बहुत घर घर जैसा नहीं होता लेकिन बाहर जो बाकी नॉर्मल ब्रांड्स मिलते हैं उनसे बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छा होता है तो गोरमे का जो मैं लाई हुई थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है आखिरी थोड़ा सा बचा होगा बिल्कुल थोड़ा सा तो बस अब ये अच्छे से पक गया है अब इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको हम छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए जैसे ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको जी स्टेनर से स्टेन कर कर इसको मैं जार में डाल लूँगी और जार वही जो मैं पहले लेके आई हुई थी उसी में इसको डालेंगे और बस इसको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसका ढक्कन लगा के फिर मैं इसको रख लूँगी और इसको यूज़ करूँगी सो जी अभी मेरे किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती और जो इस देसी घी की खुशबू है और जो हम बाहर से लेते हैं हेल ऑफ़ द डिफरेंस पता नहीं जो घर के देसी घी की खुशबू होती है वो बाहर वाले देसी घी की क्यों नहीं होती तो ये रेडी हो चुका है इसको मैंने जार में डाल के रख दिया है और अभी थोड़ी देर पहले मेरे दरवाज़े पर नोक हुआ और मैंने आई वो शौक के शायद मेरे हस्बैंड आ गए होंगे लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो डिलीवरी का आया था जो कि मुझे डिलीवर करने आया था तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे डोनर्स भिजवाए हैं क्योंकि वो खुद नहीं आ सकी थी जब मेरे टेन के कम्प्लीट हुए तो उसने मुझे ये डोनर्स भिजवाए एज अ सरप्राइज़ तो ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस बड़े अच्छे लगते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं अच्छा खैर उसने मुझे बस फ़ोन पर यह पूछा आज तुम घर पर हो तुमने कहीं जाना तो नहीं है तो मैंने उसे बोला मैं कहाँ जाती हूँ मैं घर पर ही होंगी हूँ तो फिर उसने मुझे ये भिजवाने थे तो ये आए हैं जी डोनर्स मेरी इंस्टाग्राम के टेन के कम्प्लीट होने की खुशी में और ये बड़े मज़े के लगते हैं और डोनट्स को कौन रजिस्ट कर सकता है और स्पेशली आ, टिम हॉटन के डोनट्स होते हैं बहुत फ्रेश और बहुत टेस्टी होते हैं ये जो फर्स्ट वाला है बोस्टन इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट और वह कहती थी ये दो ही थे तो फिर उसने ये दो ही ऑर्डर कर दिए मेरे लिए तो खैर अभी ये जी जो डोनट्स हैं ये मैं रात में खाऊँगी जब हस्बैंड आ जाएंगे और वह थोड़ी देर तक आने ही वाले हैं तो ये इसको अभी मैं साइड पर रख दूँगी और फिर उनके साथ रात में इंजॉय करूँगी और अपनी खुशी बांटेंगे और छोटे छोटे सरप्राइजेस बड़े अच्छे लगते हैं जब आपके हस्बैंड के अलावा आपको कोई और सरप्राइज़ है यूज़ुअली मेरे हस्बैंड सरप्राइजेस देते हैं तो आज मेरे लिए थोड़ा हट कर कि मेरी दोस्त ने दिया है तो खैर डिनर वगैरह कर चुके हैं किचन क्लीन हो चुका है सारे काम से फ्री होकर अब मैं देख रही हूँ अपना फेवरेट शो जो कि ख़तरों के, के खिलाड़ी बहुत मज़ा आता है और टाइम कहाँ ज़्यादा पता नहीं चलता ग्रीन टी पी रही हूँ साथ में साथ में मैंने डोनट्स खाए हैं हस्बैंड ने भी मेरे साथ शेयर किए हैं तो बस जी ये था मेरा आज का दिन चूँकि गुज़र गया और आ, कुछ खास नहीं हुआ आज बस ये था कि दिन इसी तरह गुज़रते जा रहे हैं गुजरते जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा माशाल्लाह से कल पहली जिल हज का पहली है और चाँद नज़र आ चुका है तो मैं आप सबको भी उसकी बहुत ढेर सारी मुबारकबाद दूंगी तो कल से इंशाल्लाह मैं रोज़ा रखूँगी इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगी अब देखते हैं कि कितने रखती हूँ लेकिन आई विल ट्राई मे बेस्ट कि मैं रोज़े रखूँ और कल से मेरा रोज़ा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन नीयत पूरी है मेरी ये जो नौ दिन के हैं वो रोज़े मैं इंशाल्लाह रखूँगी और आपसे मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ चिल्डन टेक हाफिज़ स्टे ब्लेस हेल्दी स्टे पॉजिटिव